साहब, आपकी अपनी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक डिफरेंट भेल लेकर आई हूँ, बहुत हेल्दी और बहुत पौष्टिक और जो सबको आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो मैं आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कॉर्नफ्लेक्स की भेल। ये कॉर्नफ्लेक्स है ना, इसको दूध के साथ खाते हैं पर बच्चे पसंद नहीं करते बहुत बहुत, और बहुत हेल्दी और पौष्टिक होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ चेंज करा जाए। तो आप लोग देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लेक्स एक बॉल, भुजिया आधी बॉल, और ये खट्टी मीठी चटनी है, और मूंगफली चाहिए हमको आधी बॉल, और थोड़े से बॉयल्ड आलू हैं, अनियन है, टमेटो है, और ग्रीन चिली है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं और उसमें एक चम्मच ऑयल लेते हैं। हम लो फ्लेम पे हम ये तेल इसमें डाल देंगे, और इसमें लाल मिर्च डाल देंगे आधी चम्मच, और थोड़ा सा नमक ये डाल देंगे हम, और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। और अब ये जो मूँगफली के दाने लिए हैं ना, ये कच्चे दाने हैं मूँगफली के, और इसको इसमें हम इस तरीके से रो, ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी ये मूँगफली पूरी रोस्ट हो चुकी है। इसमें देखिए आवाज़ भी आने लगी है, जिस समय ये चटकने लग जाए ना मूँगफली तो हमें इसको निकाल लेना है। इसमें से मैंने मूँगफली निकाल ली है, और अब इसमें जो बचा हुआ ये ऑयल है ना, इसी में हम ये कॉर्नफ्लेक्स डाल देंगे, और इसको भी हम अच्छे से पूरा रोस्ट कर देंगे। ये देखिए अब हमारी ये कॉर्नफ्लेक्स भी पूरे रोस्ट हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे इसमें कितनी अच्छी क्रिस्पीनेस इसकी आवाज़ आ रही है। ये देखिए हमारे कॉर्नफ्लेक्स कितने क्रंची हो चुके हैं, और बस अब फटाफट हम भेल बनाते हैं। तो ये कॉर्नफ्लेक्स हमने बॉल में निकाल लिया, और ये जो मूंगफली हमने रोस्ट की थी वो भी इसमें डाल दी, और ये टमाटो, थोड़ी सी हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार, अनियन, और ये बॉइल्ड पोटैटो। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा काला नमक। नमक हमने ऑलरेडी पहले रोस्ट करते समय मूंगफली और कॉर्नफ्लेक्स में डाला था हल्का सा, तो सिर्फ काला नमक, काला नमक का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ये हमारी खट्टी मीठी चटनी। ये चटनी आप गुड़ और इमली की भी बना सकते हैं, खजूर की भी बना सकते हो, जैसा भी आप लोग बनाते हो अपने हिसाब से बना लीजिए। और ये थोड़े से भुजिया, और अब हमको इसे अच्छे से मिलाना है। और ये देखिए हमारी झटपट फटाफट, ये देखिए ये हमारी फटाफट भेल बन चुकी है, और कॉर्नफ्लेक्स की इतनी टेस्टी चाट, सो बच्चे भी सब बहुत पसंद करेंगे। तो अब तैयार है कॉर्नफ्लेक्स की भेल, इंजॉय कीजिए। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत यमी लगती है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।